वर्षा तेरा टेलीग्राम आया है। मेरा? ये बंबई से आया होगा, जरा पढ़ के सुना ना क्या लिखा। अरे अब ये पढ़कर भी सुनाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पढ़ना है यार। अरे बोला ना मेरे पास टाइम नहीं। सारा थोड़ा पढ़ाई क्या करने तो भाव होने लग जाते, मेरे को भी पढ़ना था तो मैं इनकी तो। वर्षा क्या बे? तुमको मैनेजर साहब ने बुलाया। मेरे पास टाइम नहीं, चल भाग। अरे मैनेजर साहब ने बुलाया। उसने बुलाया, भगवान ने थोड़ी बुलाया। अरे नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसका बाप नहीं निकाल सकता नौकरी में, जेब में लोग घूमता हूँ। अच्छा जाता हूँ, तू भी क्या करेगा, चल। क्या साहब बुलाया क्या मेरे को? क्या बात है परशा, आज तुम्हारे तेवर बड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। टेम टेम की बात है, अपना टेम बदल गया तो साथ में अपना तेवर भी बदल गया। अपने को फालतू कंपनी में काम करने का नहीं है, ये अपना राजीनामा है। राजीनामा? क्यों? क्यों क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं, मैं सारी जिंदगी चपरासी की नौकरी करता रहूं, मेरी बीवी सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सीते रहे? नशे में बात कर रहे हो क्या? नशा? हाँ है ना, दुबई का नशा है, 5,000 रुपए की नौकरी का नशा है, और बोलो। परशा ये दुबई वगैरह जाने वाली सब ऐसे बेकार की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अरे उसकी आप चिंता मत करो साहब, परसा को इतना बेवकूफ नहीं है क्या? ये देखो अपना सुबह टेलीग्राम है, ये देखो। क्यों रहे साहब आप? मैं हंस इसलिए रहा हूँ परशा कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ। इस टेलीग्राम में लिखा है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। क्या नौकरी? नहीं नहीं ऐसा मजाक मत करो साहब, मैंने बीवी के गहने गिरवी रखकर वो आदमी को 30,000 रुपए डिपॉजिट दिया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, वो सूदखोर पठान मेरे को बहुत मारेगा साहब, ऐसा मत करो साहब। कुछ नहीं होगा, तुम रुपए मुझसे ले लेना, जाओ। आपसे? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, जिंदगी में कोई काम जल्दबाजी में मत करना। मैं कान पकड़ता हूँ साहब, कभी नहीं करूंगा। हर काम सोच समझ कर। बिल्कुल। अब जाओ। अरे मालिक आप मेरे भगवान के मालिक। जाओ। वो मेरा राजीनामा ले लूं? ओए सा भाई, आपके होने वाले ससुर जी आए हैं, परशुराम जी आए हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। आइए आइए परशुराम जी आइए, धन भाग हमारे जो आप हमारे ग्राफ में पधारे। आप मुर्गा जाएगा, जल्दी जाके दो लक्कर साहब चाय लेकर आ। अरे नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय कहाँ है? अजय तो अंदर है। अंदर है, मैं चलता हूँ, तुम जा चाय लेकर आओ। परसा जी आइए आइए। क्यों मियां छोटू कोशे हो? बहुत परेशान हूँ। हैं? क्योंकि मेरे मालिक परेशान है। हैं? कैसे हो बाबा? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके पास जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे नहीं, एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते हैं। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ, मेरा तो जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? नहीं तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती है। आप बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे 150 रुपया चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए 200 रुपए। चाय आ गई है? बिना वक्त की चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा, जा अपना काम करना यार, कमाल का आदमी है। 200 रुपए का तेरा सा मैं कैसे चाहूं? एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तू घर पे आना है? हाँ बाबा मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा पर चला।